हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है, स्वागत है आप सभी का स्टार के स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं संस्कृत का, जिसमें हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट सीरीज़ कर रहे थे। तो आज हम लोग सीरीज 6 करने वाले हैं। तो 5 में हम लोग कितना तक, 1 to 50 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज हम लोग इस वीडियो में 51 to कहाँ तक पढ़ेंगे, 100 तक क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पे संस्कृत के अलावे ऑल सब्जेक्ट का आप लोग फ्री ऑफ कोर्स स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, starkstudy.com। तो आप लोग यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। ये आप लोग का न्यू मॉडल सेट है, बदले गए पैटर्न पर आधारित मॉडल सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन है और 2022 का न्यू वाला मॉडल सेट है। ऑल सब्जेक्ट का आप लोग को मॉडल पेपर प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग संस्कृत का करने वाले हैं। तो इससे पिछला का वीडियो आप लोग जो भी बच्चे नहीं देखे अभी तक, इसके लिए आप लोग का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा और लास्ट में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, इसी तरह के आप लोग का प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग इस वीडियो में 51 से क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन है, युष्माकम शब्द का मूल शब्द क्या है। युष्माकम शब्द का मूल शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, युष्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, मातृ नाम का मूल शब्द क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मातृ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, कि विदुषी शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप क्या है। तो विदुष शब्द का षष्ठी एक वचन, इसका राइट आंसर हो जाएगा विदुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, वारणी किस विभक्ति का रूप है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सप्तमी विभक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, मुनिसु किस विभक्ति का रूप है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सप्तमी विभक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, पथिन शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप लिखे, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पथाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, दधात में मूल धातु क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, द। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, द धातु का रूप लट लकार बहुवचन में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ददति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, अहन में कौन लकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का सी, लिरिट लकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, पा धातु मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, दानम धातु का रूप विधिलिंग उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, ए, एच ए एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, गच्छ किस धातु का रूप है, तो गच्छ किस धातु का रूप है, ये गम धातु का रूप है गच्छ, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, चार्य किस लकार का रूप है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लोट लकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, सच्छियते किस लकार का रूप है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लिरिट लकार का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, अतत्रेव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा अत्र जोड़ एव, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, विद्या जोड़ ए का की संधि होगी, तो इसका राइट आंसर होगा बी, वी दे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, बालकह जोड़ अवदत की संधि होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बालका वदत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, प्रभोवेनुग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रभो जोड़ अनुग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, प्रतिष्ठा में कौन संधि है, तो प्रतिष्ठा में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, इसका राइट आंसर बी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा, अन्वय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अंजोर व्यय, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, अतियुक्त का संधि विच्छेद होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अतिजोर उक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, गृहस्य पश्चात का समस्त पद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुगृहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, नीलानी उत्पलानी का समस्त पद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नीलोत्पलानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, कर्मणि विरह का समस्त पद कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कर्म विरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, एकम प्रति का समस्त पद कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रत्येकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, विशोकह का कौन विग्रह होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विगतः शोकः यस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, पुरुषिंगह का कौन विग्रह होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पुरुष सिंह एव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, किस शब्द में परा उपसर्ग है? किस शब्द में परा उपसर्ग, पराकाष्ठा में परा उपसर्ग है, इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, परा उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्राजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, अभिमानह में कौन उपसर्ग है? अभिमानह में कौन सा उपसर्ग है? अभी उपसर्ग है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, संगारह में कौन सा उपसर्ग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, निवेदनम में कौन उपसर्ग है? निवेदनम में कौन सा उपसर्ग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नी उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, वी उपसर्ग में कौन शब्द बनेगा? तो वी उपसर्ग में कौन सा शब्द बनता है? विवावह, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से नहीं बना है? तो कृत प्रत्यय से कौन नहीं बना है? एकदा नहीं बना, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, कौन सा कृत प्रत्यांत शब्द सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का ए, ज्ञातव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, मूर्खतया पद में कौन प्रत्यय है? तो मूर्खतया पद में कौन सा प्रत्यय? मूर्ख जो तल प्रत्यय, इसका राइट आंसर ए हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, आदित्य पद में कौन सा प्रत्यय है? आदित्य पद में कौन सा प्रत्यय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आदि जो तसील। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, गोमानम पद में कौन सा प्रत्यय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गोजोर मुतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, अश्व का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो अश्व का स्त्रीलिंग रूप अश्वा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, ब्रह्मांड का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो ब्रह्मांड का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, नायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो नायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? टाप स्त्री प्रत्यय, इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, लेखिका में कौन सा प्रत्यय स्त्री प्रत्यय है? तो लेखिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, टप प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, मासेन व्याकरणम अधितम इस वाक्य मासन पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, है तो तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, सहपादेन ख्वाजाह अस्ति इस वाक्य के पादेन पद में किस सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एनायम विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर, हेतु तृतीय सूत्र का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पुण्यन प्रभु प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, सह प्रकृत्या कृपण अस्ति इस वाक्य के प्रकृत्या पद में किस सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रकृत्याभ्य उपसंज्ञ ख्यानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, महाम संस्कृतम रोचते इस वाक्य महाम पद में किस सूत्र से संप्रदान संज्ञा हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रुच्यर्थनाम प्रीण्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, युपाय दारुह इस वाक्य युया पद में किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर,
अलम मलो खाली स्थान वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो इसमें कौन सा पद आएगा, मलालय। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 और लास्ट क्वेश्चन है विभूति, विभूति पद में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वी उपसर्ग है। तो इस तरह से हम लोग कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, 51 से 100 तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो इसी तरह से हम लोग प्रत्येक सब्जेक्ट का मॉडल सेट प्रैक्टिस करेंगे, ये मॉडल सेट प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है। तो जो भी बच्चे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए starkstudy.com, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ओके, बाय बाय।